Welcome to my series of lectures on SPC-GCA Botany Channel. Myself, Dr. Renu Sharma. Today, we'll study about the classification of gymnosperms. We will cover this topic in two parts. Today, I'm taking the first part. So, for the first time, Robert Brown, जो थे, इन्होंने सबसे पहले gymnosperms को एक सेपरेट ग्रुप का दर्जा दिया. इसके बाद बेंथम एंड हुकर ने जिम्नोस्पाम्स का क्लासिफिकेशन दिया और इन्होंने जिम्नोस्पाम्स को इक्विवेलेंट टू एंजियोस्पाम्स माना. और इन्होंने इन दो ग्रुप्स जो एंजियोस्पाम्स के हैं, वन इज मोनोकॉट्स एंड अदर इज डाइकॉट्स, इन दोनों के बीच में जिम्नोस्पाम्स को प्लेस किया और उसे फर्दर थ्री क्लासेस में डिवाइड किया. वन इज साइकेडेसी, सेकेंड इज कोनीफेरी एंड द थर्ड वन इज नीटेसी. देर आफ्टर एक और नया ग्रुप ऐड किया और वो जो नया ग्रुप था वो था गिंगोएल्स. और वो ये नया ग्रुप जो ऐड किया वो 1889 में किसने ऐड किया? एंग्लर ने ऐड किया. इसके बाद में कॉल्टर और चैम्बरलेन, एंग्लर एंड प्रेंटल और रेंडल, इन्होंने जिम्नोस्पाम्स को एक डिवीज़न का माना, डिवीज़न का दर्जा दिया. किसका डिवीज़न का दर्जा दिया? इन्होंने जो स्पर्मेटोफाइटा है या फेनरोफाइटा है या एम्ब्रियोफाइटा जिसे कहा जाता है, उसका डिवीज़न माना. किसको? जिम्नोस्पाम्स को. तो ये स्पर्मेटोफाइटा और फेनरोफाइटा का जो डिवीज़न जिम्नोस्पाम्स इन्होंने जो माना, इसको फर्दर सेवन ऑर्डर्स में डिवाइड किया. एंड वी विल लर्न दिस सीक्वेंस इन ए पर्टिकुलर मैनर. वे लर्न दिस ट्रिपल सी, दिस इज वन सी, दिस इज अनदर सी एंड दिस इज द थर्ड सी. एंड इन द नेक्स्ट रो विल लर्न सी जी सी जी. सो ट्रिपल सी एंड सी जी सी जी, इस सीक्वेंस में हम इसको याद करेंगे ताकि आगे फर्दर जितने भी क्लासिफिकेशन हैं जिम्नोस्पाम्स के वो आपको ग्रेस्प करने ईजी हो जाएंगे. और साथ में यू कैन लर्न all the classifications in this manner only. So, gymnosperms को उन्होंने सात orders में बांटा. उसमें जो सबसे पहला order था वो था cycadophilicales. cycadophilicales जो order था उसका दूसरा नाम था pteridospermales. तो cycadophilicales को ही pteridospermales कहा जाता है. ये क्या होते हैं मैं बाद में बताऊँगी. देन जो सेकेंड सी जो है, दिस इज़ साइकेडियोइडेल्स. और इसका जो दूसरा नाम है वो है बेनेटाइटेल्स. दूसरा नाम इसको क्या दिया गया? बेनेटाइटेल्स. और तीसरा सी है साइकेडेल्स. थर्ड सी इज साइकेडेल्स. तो साइकेडोफिलिकेल्स ऑल्सो नोन एज टेरिडोस्पर्मेल्स, साइकेडियोइडेल्स और बेनेटाइटेल्स, साइकेडेल्स. ये तो तीन सी इस सिक्वेंस में हमने याद कर लिए. देन द फोर्थ वन इज सी इज कॉर्डेटेल्स. फोर्थ वन इज कॉर्डेटेल्स. फिफ्थ वन इज गेंगोएल्स. सिक्स वन इज कोनीफरेल्स एंड सेवेंथ वन इज नीटेल्स. तो ट्रिपल सी एंड सी जी सी जी, ये सेवन टोटल ऑर्डर्स हो गए जिम्नोस्पाम्स के. अब हम देखेंगे कि ये साइकेडोफिलिकेल्स या ये जो टेरिडोस्पर्मेल्स होते हैं ये क्या होते हैं. सो साइकेडोफिलिकेल्स या टेरिडोस्पर्मेल्स जो ऑर्डर है, दोनों एक ही ऑर्डर के नाम हैं, अलग अलग नाम दिए गए हैं. एक नाम चैम्बरलेन ने दिया है टेरिडोस्पर्मेल्स को. सो टेरिडोस्पर्मेल्स बेसिकली वो ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स हैं जो कि फॉसिल ग्रुप है और पॉपुलरली इसको कहा जाता है सीट फर्न्स. तो ये जो ग्रुप है टेरिडोस्पर्मेल्स, इसको सीट फर्न्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर पत्तियां जो होती है या फॉलिएज लीफ जो होती है वो टेरिस के समान होती है. फर्न लाइक फॉलिएज लीफ होती है. तो पत्तियां टेरिस के समान होती है एंड स्पर्मेल्स यानी स्पर्मा से मिलकर बना है स्पर्मेल्स यानी सीड. तो दे पजेस सीड. तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप में पत्तियां फर्न की तरह दिखने वाली होती है पर दे पजेस सीड्स, इसीलिए इसको कहा जाता है टेरिडोस्पर्म्स इनके मेंबर्स को. और इस ग्रुप को नाम दिया गया, इस ऑर्डर को नाम दिया गया टेरिडोस्पर्मेल्स.
चैम्बरलेन ने इस ग्रुप को दूसरा नाम दिया और वो दूसरा नाम दिया साइकेडोफिलिकल्स। ये साइकेडोफिलिकल्स नाम इसलिए दिया क्योंकि इनकी जो रिजेम्बलेंस है वो जिम्नोस्पर्म्स के साइकेड्स के समान है और टेडोफाइटा की फिलिकल्स ग्रुप के समान है। टेडोफाइटा के फिलिकल्स ग्रुप के समान क्यों है? क्योंकि फिलिस्नी की तरह इसके अंदर बड़ी बड़ी मेगाफिलस लीव्स पाई जाती है फर्न के जैसी। और साइकेडेल्स के समान क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बीज लगते हैं, इसीलिए चैम्बरलेन ने इसको नाम दिया साइकेडोफिलिकल्स। तो अगर आप साइकेडोफिलिकल्स लिखते हैं या फिर आप टेरिडोस्पर्मेल्स लिखते हैं, दोनों सही है। यू कैन लर्न इन एनी वे। ये जो पूरा ग्रुप ऑफ प्लांट्स है, ये जो फॉसिल ग्रुप ऑफ प्लांट्स है जो कि सीड फर्न्स कहलाता है, बेसिकली आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि अपर डेवोनियन पीरियड के अंदर ये ओरिजिनेट हुए थे और ये कार्बोनिफेरस पीरियड में इनकी क्लाइमेक्स स्टेज थी, पूरे टोटल फ्लरिश कर गए थे। और उसके बाद जैसे ही मीज़ोज़ोइक एरा का ट्रायसिक पीरियड आना शुरू हुआ, ये धीरे धीरे संख्या में कम होते गए और जुरैसिक पीरियड तक आते आते ये टोटली डिसअपियर हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए अर्थ सरफेस से। तो बेसिकली इनका ओरिजिन डेवोनियन में है और एक्सटिंक्ट ये कब हो गए? जुरैसिक पीरियड के अंदर एक्सटिंक्ट हो गए। इसके बाद में जो दूसरा ग्रुप था, सेकेंड सी इज साइकेडियोइडेल्स और बेनिटाइटेल्स। ये जो दूसरा ग्रुप है साइकेडियोडेल्स या बेनिटाइटेल्स, ये दोनों नाम एक ही ग्रुप को दिए गए हैं। ये दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ फॉसिल प्लांट्स जो कि फ्लरिश किया था ट्रायसिक टू क्रिटेशियस पीरियड के अंदर, जो कि मीज़ोज़ोइक एरा के हैं। ट्रायसिक, जुरैसिक एंड क्रिटेशियस, ये मीज़ोज़ोइक एरा के पीरियड्स हैं। तो ट्रायसिक से लेकर क्रिटेशियस पीरियड तक ये प्लांट्स फ्लरिश किए थे मीज़ोज़ोइक, पूरे मीज़ोज़ोइक एरा के अंदर। और ये जो मेंबर्स थे ये कंप्रेशंस या पेट्रीफेक्शंस के फॉर्म के अंदर पाए गए थे। और इसमें जो फैमिली विलियमसोनियसी है उसका मेंबर है विलियमसोनिया। और दूसरा साइकेडियोइडी जो है ये दिस इज़ द अनदर मेंबर। तो ये दो मेंबर्स इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जो सीजीसीजी मैंने कहा था, तो वो सीजीसीजी जो था वो बेसिकली उसका जो पहला सी है वो है दिस कॉर्डेटेल्स। ये जो ग्रुप है कॉर्डेटेल्स, ये एक ऑस्ट्रेलियन बॉटनिस्ट थे ए जे कॉर्डा। इनको ऑनर करने के लिए इस ग्रुप का नाम कॉर्डेटेल्स दिया गया। ये एक एक्सटिंक्ट ग्रुप है जो कि फॉसिल ग्रुप कह लीजिए, जो कि पेलियोज़ोइक एरा में डेवोनियन टू परमियन पूरे पीरियड्स के अंदर, डेवोनियन से लेके परमियन तक ये ग्रुप पाया जाता था। और ये बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर टॉल ट्रीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड दे फॉर्म द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रेट फॉरेस्ट। सबसे पहले दुनिया का ग्रेट फॉरेस्ट किन्होंने बनाया? वो थे कॉर्डेट्स, जो कॉर्डेटेल्स के मेंबर्स थे, क्योंकि ये टॉल ट्रीज थे। तो पहला फॉरेस्ट कॉर्डेटेल्स ने बनाया। और ये जो ग्रुप है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल फैमिली इन इंडिया, दैट इज़ कॉर्डेटेसी। और ये कॉर्डेटेसी फैमिली जो है, इसके जो मेंबर्स हैं ये लोअर गोंडवाना फॉर्मेशंस के अंदर पाई जाती हैं। इसके बाद में जो क्लासिफिकेशन दिया गया, जो क्लासिफिकेशन आपको एंग्लर, प्रांटल, कॉन्गल, कॉल्टर एंड चैम्बरलेन और रेंडल के बाद में जो सेवन ऑर्डर्स मैंने बताए, उसमें सेवन ऑर्डर्स में से मैंने कुछ फॉसिल ग्रुप्स के बारे में आपको बताया। नाउ वी कम टू द क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय सीवर्ड। और सीवर्ड ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, ये क्लासिफिकेशन बेसिकली वुड स्ट्रक्चर के बेसिस पे दिया। किसके बेसिस पे दिया? इस वुड स्ट्रक्चर के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। और इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को दो क्लासेस में बांटा, टू ब्रॉड क्लासेस। और वो दो क्लासेस कौन सी थी? वन इज मेनोज़ाइलिक एंड अनदर इज पिक्नोज़ाइलिक। जिम्नोस्पर्म्स में आपने पढ़ा होगा दो तरह की वुड पाई जाती है, मेनोज़ाइलिक और पिक्नोज़ाइलिक। तो उस वुड के स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही इन्होंने दो क्लास बना दी, मेनोज़ाइलिक क्लास और पिक्नोज़ाइलिक क्लास। मेनोज़ाइलिक
क्लास के अंदर जो मेंबर्स थे उनके अंदर सॉफ्ट वुड पाई जाती थी। अब ये सॉफ्ट वुड क्या होती है? बेसिकली सॉफ्ट वुड वो वुड होती है जिसके अंदर पेरेन्काइमा कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है। जब पेरेन्काइमा कंटेंट कौन से हिस्से में पाया जाता है, तो पेरेन्काइमा कंटेंट स्टेम में, आपके कॉर्टिकल रीजन में, कॉर्टेक्स में पाया जाता है, मेड्यूलरी रे रीजन में पाया जाता है, पिथ रीजन में पाया जाता है। तो जब ब्रॉड कॉर्टेक्स होगा, ब्रॉड मेड्यूलरी रेज होंगी, ब्रॉड पिथ रीजन होगा, तो वुड के अंदर पेरेन्काइमा कंटेंट ज़्यादा होगा और वुड क्या होगी, मेनोज़ाइलिक वुड होगी। बट अगर ये रीजन्स तीनों, कॉर्टेक्स, मेड्यूलरी रेज एंड पिथ, ये नैरो होंगे तो वुड क्या होगी, कॉम्पैक्ट होगी और उस वुड को हम कहेंगे पिकनोज़ाइलिक वुड। तो पर्टिकुलर पिकनोज़ाइलिक जो क्लास है उसके जो मेंबर्स हैं उसमें कॉम्पैक्ट वुड पाई जाती है। अब मेनोज़ाइलिक जो क्लास है उसके अंदर तीन ऑर्डर्स को रखा है और वो तीनों ऑर्डर्स कौन से हैं, ट्रिपल सी, वन इज साइकेडोफिलिकल्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टेरिडोस्पर्मिल्स, अनदर सी साइकेडियोइडल्स ऑल्सो कॉल्ड बेनिटाइटल्स, थर्ड वन इज साइकेडल्स। ये दोनों जो हैं फॉसिल ग्रुप्स हैं, बट साइकेडल्स जो है ये लिविंग ग्रुप है जिसके मेंबर्स जो हैं साइकेड्स कहलाते हैं, और साइकेड्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स। वाई दे आर कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स, क्योंकि ये जो साइकेड्स होते हैं ये प्लांट्स ऐसे फीचर्स शो करते हैं, उनमें ऐसे फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं जो फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते थे, लाइक ब्रॉड लार्ज मेगाफिलस लीव्स, मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। ये सब फीचर्स जो हैं ये प्रिमिटिव और फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते थे, इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है, क्योंकि जिंदा तो हैं, आज भी पाए जाते हैं, एक्सटेंट जिम्नोस्पर्म हैं, लेकिन करेक्टर इज लाइक फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स। और इसकी जो खास बात होती है साइकेड्स की, कि इनका जो स्टेम होता है वो अनब्रांच होता है एंड इट इज़ कवर्ड विद आर्मर ऑफ लीव ब्रेसेस, जिसके ऊपर आपके बड़ी बड़ी पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स पाई जाती हैं। और दो तरह की लीव्स इनमें पाई जाती है, डाइमॉर्फिक टाइप ऑफ लीव्स दैट इज फॉलिएज लीव्स एंड स्केली लीव्स। बाकी डिटेल्स में जब हम इन ऑर्डर्स को पढ़ेंगे तब मैं करेक्टर्स भी साथ में बताऊँगी। सो वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास दैट इज पिकनोज़ाइलिक। पिकनोज़ाइलिक जो क्लास होती है उसके अंदर टोटल चार ऑर्डर्स हैं, सी, जी, सी एंड जी। पहला जो ए जे कॉर्डा के नाम पे पड़ा था, फर्स्ट ग्रेट फॉरेस्ट फॉर्मिंग ग्रुप प्लांट्स जो इससे बिलोंग करते हैं वो है कॉर्डेटेल्स। सेकेंड वन इज गिंगोएल्स। गिंगोएल्स के मेम्बर्स भी लिविंग फॉसिल कहे जाते हैं एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ मोनोटिपिक फैमिली दैट इज़ मोनोटिपिक जेनरा जो इसके अंदर पाया जाता है, एक ही है, गिंगोएसी फैमिली है, मेंबर है गिंगो बायलोबा, सिर्फ एक ही मेंबर इसका लिविंग है, रेस्ट आपके सारे के सारे मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, फॉसिल के फॉर्म में पाए जाते थे। तो गिंगोएल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल फैमिली गिंगोएसी एंड द मेंबर इज गिंगो बायलोबा, जिसकी बड़ी बड़ी लार्ज लेदरी लीव्स जो कि बाईलोब लीव्स होती हैं, जिसके अंदर डाइकोटोमस विनेशन होता है, ये पत्तियां पहचान होती है गिंगो बाईलोबा की। और गिंगो जो है एक ऑस्पिशियस ट्री माना जाता है और सेक्रेट ट्री माना जाता है। पर्टिकुलर ये फिर लिविंग फॉसिल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मेगाफिलस लीव्स होती है और अगेन एंथ्रोजॉइड इसके मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है। Another C is coniferales. Coniferales जो है it is the largest order of gymnosperms. करीब 3/4 gymnosperms जो होते हैं वो conifers होते हैं। और conifers क्या होते हैं, ये पहले जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है कि इसका जो shape होता है वो conical shape होता है, और ये जो जो उसे कोनिकल शेप के कारण से कोनीफर्स या पिरामिडल शेप के कारण से कोनीफर्स कहा जाता है। और बेसिकली ये जो कोनीफर्स होते हैं इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन इंडिया, अबाउट 52 जनरा इनके पाए जाते हैं। और
सबसे बड़ा ऑर्डर होता है और सारे प्लांट्स इसके मोस्टली लिविंग पाए जाते हैं. तो दिस इज ऑल्सो एक्सटांट जिम्नोस्पर्म जो कोनिफर्स होते हैं. एंड द नेक्स्ट जी इज नीटेल्स जिसका मेंबर है नीटम एंड इट इज़ द मोस्ट इवोल्व एंड एडवांस ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स जिसका मेंबर नीटम है. तो ये भी लिविंग मेंबर है. तो यहाँ पर सीजीसीजी में फॉसिल ग्रुप कौन सा है? ओनली दिस कॉर्डेटेल्स. इसके अलावा गिंगोएल्स कोनीफरेल्स एंड नीटेल्स के मेंबर सब लिविंग होते हैं. ओके नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय बीरबल साहनी इन द ईयर 1920 एंड दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ मेगास्पोरोफिल्स. मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ मेगास्पोरोफिल्स क्या मीन्स? अगर जिम्नोस्पर्म्स में जो मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर सीड्स प्रोड्यूस होते हैं तो उन्हें कहा जाता है फिलोस्पर्म्स. और अगर सीड्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो स्टेम पे प्रोड्यूस होते हैं तो उन्हें कहा जाता है स्टैकियोस्पर्म्स. शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है डिफरेंशिएट फिलोस्पर्म्स एंड स्टैकियोस्पर्म्स और व्हाट आर फिलोस्पर्मस प्लांट्स और व्हाट आर स्टैकियोस्पर्मस प्लांट्स. सो जिम्नोस्पर्म्स को बीरबल साहनी आप सब नाम से जानते हैं, प्रोफेसर बीरबल साहनी जो कि फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी हैं. और इन्होंने बहुत सारा काम फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स पे किया है. इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को दो सब डिवीज़न में बांटा और वो सब डिवीज़न था, पहला सब डिवीज़न फिलोस्पर्मी एंड अनदर सब डिवीज़न स्टैकियोस्पर्मी. फिलोस्पर्मी में मैंने पहले बताया फिल्लो माने लीफ, स्पर्मा माने सीड यानी लीफ पे सीड होते हैं. स्टैकियोस माने स्टेम या एक्सेस और स्पर्मा माने अगेन स्पर्मा माने सीड्स यानी सीड्स एक्सेस पे लगे होते हैं या स्टेम पे लगे होते हैं. अगेन फिलोस्पर्मी इज डिवाइडेड इंटू थ्री ऑर्डर्स, थ्री सी साइकेडोफिलिकेल्स और टेरिडोस्पर्मेल्स, साइकेडियोइडल्स, साइकेडेल्स. स्टैकियोस्पर्म्स जो हैं या स्टैकियोस्पर्मी सब डिवीज़न जो है उसमें अगेन सीजीसीजी, कॉर्डेटेल्स, गिंगोएल्स, कोनीफरेल्स एंड नीटेल्स. इन दिस मैनर यू कैन लर्न वेरी क्विकली. नाउ वी कैन मूव टू द क्लासिफिकेशन गिवन बाय चैम्बरलेन एंड दिस क्लासिफिकेशन में जो चैम्बरलेन ने जिम्नोस्पर्म्स को है उसमें उसने जो फिलोस्पर्म्स और स्टैकियोस्पर्म्स जो दो सब डिवीजन्स बांटे थे चैम्बरलेन ने उनको डिवीज़न का दर्जा दे दिया. तो उन्होंने दो डिवीज़न बना दिए, वन इज साइकेडोफाइटा एंड अनदर इज कोनीफेरोफाइटा, ब्रॉड डिवीजन्स. और साइकेडोफाइटा की क्या खास बात थी कि वुड मेनोजाइलिक थी और स्पोरोफिल सिंपल थे और कोनीफेरोफाइटा के अंदर वुड पिकनोजाइलिक थी और स्पोरोफिल्स कॉम्प्लेक्स थे. अगेन साइकेडोफाइटा के जो मेंबर्स हैं जो ऑर्डर्स हैं तो साइकेडोफाइटा इज डिवाइडेड इनटू फर्दर थ्री ऑर्डर्स ट्रिपल सी एंड कोनीफेरोफाइटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर ऑर्डर्स दैट इज सीजीसीजी, चार ऑर्डर्स के अंदर बांट दिया. तो द क्लासिफिकेशन इज सेम, बस क्या किया जो डिवीजन का नाम था वो चेंज कर दिया और उनको रेज कर दिया डिवीजन के लेवल तक. ओके देन द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट वॉज गिवन बाय स्पोर्ने. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन क्योंकि पहली बार स्पोर्ने ने 1965 में जो क्लासिफिकेशन दिया जिम्नोस्पर्म्स का उसमें उसने इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमनक्लेचर को फॉलो किया. ICBN के अकॉर्डिंग जब क्लासीफाई करते हैं तो क्लासेस एंड्स विद ऑप्सिडा, ऑर्डर्स एंड्स विद एल्स एंड फैमिली एंड्स विद एसी. तो हियर यू कैन सी देयर आर थ्री क्लासेस, ऑल एंड्स विद ऑप्सिडा एंड ऑल द एंड ऑर्डर्स एंड्स विद एल्स. सो स्पोर्ने क्लासिफाइड जिम्नोस्पर्म्स इनटू थ्री क्लासेस एंड फर्दर नाइन ऑर्डर्स. हाउ मेनी क्लासेस? थ्री क्लासेस एंड नाइन ऑर्डर्स में बांटा. अब अभी तक आपने जो पढ़ा था जो क्लासिफिकेशन पढ़े उसमें दो दो सब डिवीज़न या दो क्लास या दो डिवीज़न में बांटे थे, अब यहाँ पर तीन क्लास हो गई. वो तीन क्लास क्यों हो गई?
क्योंकि इन्होंने यहाँ पर जो सीजी था उसका जो डिटेल्स था उसका एक अलग क्लास बना दिया और उस क्लास को नाम दिया नीटोप्सिडा। तो इन्होंने इसको अपग्रेड कर दिया और नीटेल्स का एक नई क्लास बन गई नीटोप्सिडा। तो तीन क्लासेस हो गई, साइकेडोप्सिडा, कोनीफेरोप्सिडा एंड नीटोप्सिडा। यहाँ पर साइकेडोप्सिडा को तीन ऑर्डर्स जो हैं वो तो सिमिलर है, ट्रिपल सी, एंड ही एडेड अनदर ऑर्डर दैट इज पेंटोजाइलेल्स इनटू साइकेडोप्सिडा। इन कोनीफेरोप्सिडा अगेन सीजी में से एक जी नीटेल्स निकल गया, नीटोप्सिडा में चला गया, तो यहाँ पे बचे कॉर्डेटेल्स, गिंगोएल्स, कोनीफेरल्स, यानी सी जी एंड सी। एंड द फोर्थ वन दैट ही एडेड इज टैक्सेल्स इन कोनीफेरोप्सिडा। सो ही एडेड टू न्यू ऑर्डर्स, पेंटोजाइलेल्स इन साइकेडोप्सिडा, टैक्सेल्स इन कोनीफेरोप्सिडा, एंड नीटेल्स को उन्होंने कोनीफेरोप्सिडा से निकाल करके नीटोप्सिडा में डाल दिया, अपग्रेड कर दिया। सो दीज आर हाउ मेनी ऑर्डर्स, टोटल 4, 4 and 1, दैट इज 9 ऑर्डर्स। एंड कितनी क्लासेस, 1, 2 and 3 क्लासेस। सो 9 क्लासेस एंड 9 ऑर्डर्स में इन्होंने डिवाइड किया। अब इन्होंने ये जो नया ग्रुप डाला पेंटोजाइलेल्स, ये जो पेंटोजाइलेल्स है इस ग्रुप को सबसे पहला जो नाम दिया था और इसको सबसे पहला जो डिस्कवर किया था वो हमारे इंडियन पेलियोबॉटनिस्ट थे, वो थे प्रोफेसर बीरबल सहानी, जिन्होंने इसको राजमहल हिल्स ऑफ बिहार से रिपोर्ट किया। इट इज़ अ फॉसिल ग्रुप और जो फॉसिल्स मिले थे वो स्टेम के मिले थे, दोनों फॉसिल्स। एक का नाम दिया गया पेंटोजाइलॉन सहानी के नाम के बेसिस पे, क्योंकि उन्होंने इसको डिस्कवर किया था इसलिए, तो नाम का स्पीशीज़ का नाम प्रोफेसर बीरबल सहानी को ऑनर करते हुए पड़ा, पेंटोजाइलॉन सहानी। और दूसरा प्रोफेसर के एम गुप्ता साहब थे, जो कि SPCGCA के बॉटनी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रह चुके हैं, और जिन्होंने जो प्रोफेसर बीरबल सहानी के स्टूडेंट भी रहे हैं, और उन्होंने जो नाम दिया जो नया इस प्लांट जो रिपोर्ट किया, फॉसिल जो रिपोर्ट किया जो पेंटोजाइलेल से बिलोंग करता था वो था निपेनियोजाइलॉन। और जो उनके गुप्ताई, उनके जो सरनेम था उनके नाम पर ये स्पीशीज का नाम पड़ा गुप्ताई, तो निपेनियोजाइलॉन गुप्ताई। दीज आर द टू फॉसिल प्लांट्स दैट वॉज रिपोर्टेड बाय प्रोफेसर बीरबल सहानी एंड प्रोफेसर के एम गुप्ता दैट बिलोंग्स टू द ग्रुप पेंटोजाइलेल्स। टैक्सेल्स इज अ लिविंग ग्रुप जिसका मेंबर है टेक्सस बकेटा। फर्दर वी विल स्टडी द जनरल करेक्टर्स अबाउट दिस ऑर्डर्स इन ये बाद में। फिर इसको कोनीफर्स के अंदर रख दिया था, लेकिन स्पॉर्ने ने इसको टैक्सेल्स एक नया ऑर्डर बनाया। लेकिन जैसे जैसे फॉसिल्स मिलते गए वैसे वैसे क्लासिफिकेशंस के अंदर चेंजेस आते गए और नए ऑर्डर्स, फॉसिल ऑर्डर्स ऐड होते गए और उनमें क्लासिफिकेशन में चेंज हो गया। तो आज हम क्लासिफिकेशन को इतना ही करेंगे। इन माय नेक्स्ट सेकंड पार्ट विच आई विल टेक टुमारो, उसके अंदर आई विल कवर द एंटायर रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द क्लासिफिकेशन दैट वॉज गिवन बाय बियरहॉस्ट एंड स्टीवर्ट। आई विल ऑल्सो गिव यू द रीसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ रीसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। थैंक्स।